हेलो एवरीवन, और आज हमन बात करने वाले हैं अपने इश्योरेक्टल फोसा के सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, ये जो इश्योरेक्टल फोसा जो है ना, ये आपके यूनिवर्सिटी में शॉर्ट में आते ही आता है। बहुत बार अपने प्रीवियस ईयर में ये रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसमें ज़्यादा नंबर चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसे क्लिनिकल पॉइंट लिख देना। मतलब पूरा इश्योरेक्टल फोसा लिखने के बाद अगर आप इसके 2-3 क्लिनिकल पॉइंट लिख दोगे ना, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे और बड़े ही ईजी इसके क्लिनिकल पॉइंट होते हैं। सबसे पहला अगर मैं इसको पॉइंट बताऊं, आपको पता है अपने जो इश्योरेक्टल फोसा जो रहता है वहाँ पे अपने प्रेजेंट होता है फैट, और उस फैट के अंदर क्या होता है, समटाइम यहाँ पे एब्सेस फॉर्म हो जाता है, मतलब यहाँ पे पस हो जाता है, और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इश्योरेक्टल एब्सेस, ठीक है। और फिर होता क्या है, ये जो इश्योरेक्टल एब्सेस जो है ना, वो क्या करता है, कभी कभी अपने एनाल कैनाल के अंदर चले जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे जो है ना अपना एबनॉर्मल पैसेज बन जाता है। अगर आप देख पा रहे हो, अब अपना जो एनाल कैनाल है और इश्योरेक्टल फोसा जो है, वहाँ पे अपना एक एबनॉर्मल पैसेज बन गया, या फिर अपनी एक एबनॉर्मल ओपनिंग अपनी बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका सारा जो है ना एब्सेस जो रहता है अपने इश्योरेक्टल फोसा के अंदर, वो अपना एनाल कैनाल के अंदर चले जाता है, और इसी एबनॉर्मल ओपनिंग को जो है वो अपन बोलते हैं एनाल फिस्टुला। बड़ा ही इजी है। अपना होता क्या है, अपना इश्योरेक्टल फोसा के फैट में पस फॉर्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इश्योरेक्टल एब्सेस, और वो इश्योरेक्टल एब्सेस अपना एनाल फिस्टुला के कारण अपना एनाल कैनाल के अंदर ड्रेन हो जाता है, अपना यहाँ पे चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट जो है वो है अपना प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के बारे में। तो आपको पता है अपना एनाल कैनाल के अंदर जो फैट जो रहते हैं ना, वो अपना एक तरीके से कुशन की तरह भी सपोर्ट देते हैं अपने रेक्टम और एनाल कैनाल के अंदर। मान लो अपन कोई डिसीज हो गई, जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं, अगर डायरिया जो हो जाता है चिल्ड्रन के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी अपना फैट है ना वो लॉस हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे फैट लॉस हो गया इश्योरेक्टल फोसा के अंदर, तो यहाँ पे जो सपोर्ट जो रहता है ना अपने एनाल कैनाल रेक्टम के बीच, वो भी साथ में लॉस हो जाता है, जिसके कारण अपना क्या होता है, जो रेक्टम जो है वो अपने एनस से बाहर आ जाता है, और इसी कंडीशन का अपन बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। तो यहाँ पे अपना रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है अपना इश्योरेक्टल हर्निया के बारे में। मतलब अपने जो पेल्विस के अंदर जितने भी ऑर्गन जो रहते हैं ना, करते हैं अपने इश्योरेक्टल के अंदर अपने आ जाते हैं, और इस कंडीशन का हम बोलते हैं इश्योरेक्टल हर्निया। और देखो, मैं सारे आपको क्लिनिकल एनाटॉमी के पॉइंट जो है वो मैं आपको बीडीसी से ही बताता हूँ, क्योंकि बीडीसी में बेस्ट लिखा हुआ है, और मैं आपको यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप इसको बीडीसी से ही पढ़ो। तो यहाँ पे क्लियरली अपने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक इसके एब्सेस का पॉइंट है, देन फिर प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम का पॉइंट है, दूसरा अपना इश्योरेक्टल हर्निया के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी एनाटॉमी की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, चाहे वो एम्ब्रोलॉजी हो, हेड एंड नेक हो, बोन की सीरीज हो, सारी सीरीज जो है इसमें अपलोड हो चुकी हैं।